हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल कमल विश्वकर्मा में। तो फ्रेंड्स, मैं कमल विश्वकर्मा में दोस्तों आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स, आप लोगों का बिहार ITI में कितना टोटल सीट है आप लोगों का, और अभी तक कितने सीटों पर नामांकन यानी एडमिशन हुआ है छात्रों का, और आप लोग का कितना सीट अभी टोटल बचा हुआ है। मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, और साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों का थर्ड राउंड का अलाटमेंट कब तक जारी किया जाएगा। ये सब दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो पर बने रहें और इसे पूरा एंड तक वॉच करें, तभी दोस्तों आप लोग को मालूम हो पाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स, आप लोग नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करके उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि फ्रेंड्स हमारे अगले वीडियो का सूचना आपको सबसे पहले और बहुत जल्द पहुँचता रहे। क्योंकि दोस्तों, आपको चैनल पर ITI संबंधित न्यूज़ एवं अनेक जानकारी आपको प्रूफ के साथ बिल्कुल सही जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर फ्रेंड्स आप लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी से इसे एक लाइक कर लें। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कैटेगरी वाइज आपको बताने वाला हूं कि बिहार ITI में टोटल कितना सीट अभी तक बचा हुआ है और कितने सीटों पर अभी तक एडमिशन लिया गया है। मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, आपका ITI में सीट बचा रहेगा तभी आप लोगों का थर्ड राउंड का अलाटमेंट जारी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इधर देख पा रहे हैं आपका दिया गया है सीट डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद दोस्तों आपका दिया गया है कैटेगरी यानी श्रेणी आपका दिया गया है, इसके बाद कुल सीटें यानी टोटल सीट कितना है यह भी आपका इसमें दिया गया है, इसके बाद पुरुष उम्मीदवार महिलाएं उम्मीदवार कितने हैं यह भी इसका लिस्ट दिया गया है। तो आप लोग देख पा रहे हैं आपका इसमें कैटेगरी है सामान्य। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को सामान्य कैटेगरी का बता रहा हूँ, इसके बाद सभी कैटेगरी का बताऊँगा सीरियल वाइज, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपका सामान्य कैटेगरी के लिए है कुल सीट 12,589 सीट, कुल सीट है आप लोग का सामान्य श्रेणी के लिए। इसके बाद उसमें पुरुष उम्मीदवार है 11,127, इसमें पुरुष की सीट है। इसके बाद महिलाएं की सीट है 1,462, जिसमें दोस्तों अभी तक महिलाओं की सीट पर 1,050 सीटों पर एडमिशन ले लिया गया है, और दोस्तों महिलाएं में भी सीट अभी बचा हुआ है कुछ। इसके बाद पुरुष में है 9,555 सीट पर अभी तक एडमिशन लिया गया है और इसमें भी सीट बचा हुआ है। इसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं आपका 10,605 सीटों पर आपका एडमिशन हो गया है और आपका टोटल सीट है 12,589। तो दोस्तों, आपका बहुत सीट बचा हुआ है, इसके चांस है दोस्तों कि आपका थर्ड राउंड का अलॉटमेंट भी आएगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग सेकेंड कैटेगरी SC, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे SC कैटेगरी का भी दिया गया है। तो SC में कुल सीट है 4,025 टोटल सीट है SC में। इसके बाद पुरुष उम्मीदवार उसमें है 3,558 पुरुष उम्मीदवार हैं, इसके बाद 467 महिलाएं उम्मीदवार हैं, जिसमें से महिलाओं का एडमिशन लिया गया सीटों पर 305। इसके बाद 2,990 पुरुष उम्मीदवारों का एडमिशन ले लिया गया है। इसके बाद आपका सीट 3,255 सीटों पर नामांकन हो गया है, इसमें भी दोस्तों आपका सीट बचा हुआ है। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग ST, आप लोग देख पा रहे हैं ST का भी दिया गया है, इसमें कुल टोटल सीट आप लोग का है 254 सीट आप लोग का टोटल है। इसके बाद पुरुष उम्मीदवार का सीट है 223 पुरुष उम्मीदवार का सीट है, महिला उम्मीदवार का सीट है 31। तो फ्रेंड्स, आपका महिला उम्मीदवार का सीट में 25 लोगों का अभी तक एडमिशन ले लिया गया है, जो कि इसमें भी सीट आपका बचा हुआ है। इसके बाद 223 पुरुष उम्मीदवार का सीट है, तो इसमें से 166 लोगों का एडमिशन ले लिया गया है। इसके बाद आपका 191 लोगों का एडमिशन हो गया है, जो कि आपका सीट है ST में 254, तो आपका इसमें भी सीट बचा हुआ है। इसका मतलब दोस्तों कि आप लोगों का थर्ड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आएगा। इसके बाद दोस्तों आपका दिया गया है EBC का, तो आप लोग देख पा रहे हैं इसमें भी आपका टोटल सीट है 4,531 टोटल सीट है आप लोगों का, जिसमें से आपका 3,630 लोगों का एडमिशन लिया गया है। और दोस्तों आपका इसमें पुरुष उम्मीदवार है 4,004 पुरुष उम्मीदवार हैं, और जिसमें से 3,125 लोगों का एडमिशन हो चुका है। और दोस्तों आपका महिलाओं का है 527, जिसमें से 405 लोगों का एडमिशन हो गया है। इसके बाद है आपका BC, इसमें दोस्तों आपका BC में टोटल सीट है 3,020 टोटल सीट है, जिसमें से 2,670 पुरुष उम्मीदवार हैं
और 350 महिलाएं उम्मीदवार है, और महिला उम्मीदवार में 350 सीट है, तो 265 लोगों का एडमिशन हो गया है। इसके बाद पुरुष में 2050 लोगों का एडमिशन हो चुका है। इसके बाद टोटल सीट आप लोगों का बीसी में है 3020, जिसमें से 2315 लोगों का एडमिशन सीट पर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इससे उम्मीद है कि आप लोगों का जो सीट है वो दोस्तों आपका बहुत बचा हुआ है। इसके बाद एक कैटेगरी और है आरसीजी, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आरसीजी का भी दिया गया है, जिसमें से इसका टोटल सीट है 749, जिसमें से 530 लोगों का एडमिशन हो चुका है। इसमें दोस्तों पुरुष उम्मीदवार हैं 663, और जिसमें से पुरुष का अभी तक एडमिशन लिया गया है 475 लोगों का एडमिशन हुआ है। इसके बाद दिया है महिलाओं का तो 86 सीट है, जिसमें से 55 लोगों का एडमिशन हो गया है। इससे दोस्तों आपको पता चला कि आपका कितने सीट अभी तक बचा हुआ है। इससे दोस्तों पता चला कि आपका जो थर्ड राउंड का अलॉटमेंट लेटर है वो आएगा, और दोस्तों कब तक आएगा, ये दोस्तों आपका नवंबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों का थर्ड राउंड का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसे एक लाइक शेयर कमेंट सब कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बगल में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करके उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि फ्रेंड्स हमारे अगले वीडियो का सूचना आपको सबसे पहले और बहुत जल्द पहुँचता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।